नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के मामले में या किसी भी कंपनी के मामले में। जी हाँ, चाहे वो कंपनी कहीं की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आपने देखा होगा कि आप कंपनी से छुट्टी आ गए घर पे, जी हाँ, या फिर आपने कंपनी ने आपको निकाल दिया, कंपनी में आपका वीजा खत्म हो गया, कंपनी ने आपका वीजा रिन्यू नहीं किया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अचानक से घर आना पड़े या कुछ भी रीजन एक्स वाई जेड हो, अभी एक बंदे का मेरे पास रिसेंटली मैसेज भी आया था, राजस्थान का बंदा था, तो उसका तो चलो एग्जांपल हम बाद में देंगे, पहले हम आपको अपनी बात कर लेते हैं। उस दौरान कंपनी आपको ईमेल करती है कि भाई आप अपनी सैलरी उठाओ, इसके लिए डॉक्यूमेंट पे साइन करके हमें भेज दीजिए ताकि हम आपकी सैलरी अकाउंट में डाल दें। इस दौरान होने वाले आपके साथ घोटाले के साथ, जी हाँ, आपके साथ चीटिंग के, क्या चीटिंग हो सकती है, किन चीज़ों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अगर ये ऐसा घोटाला हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। भाई पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वे से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप घर, आप कंपनी के बाहर हैं, चाहे आप कंपनी ने आपको निकाला, कंपनी को आपने छोड़ दिया, घर आ गए, छुट्टी आ गई, एक्स वाई जेड कुछ हुई, आपके ईमेल पे एक ईमेल आती है कि भाई हम आपको अभी जॉब पे नहीं रखने वाले हैं, आपकी जो बकाया सैलरी है वो आप, ये हम आपको सिग्नेचर एक फॉर्म भेज रहे हैं और इस पे साइन करके वापस रिटर्न कर दीजिए ताकि हम आपकी बकाया सैलरी आपको सेंड कर दें और आप जे बस मैटर ख़त्म, यहीं तक का मतलब ये अधूरा काम है, समझ गए बात को। अब आपको लगता है यार चलो कंपनी अपने को काम पर रखेगी नहीं, तो चलो साइन करके वापस सेंड कर देते हैं। उसमें वो कंडीशन लिखी होती है, आपका जो भी बकाया पैसा है उसके बारे में वो ईमेल आती है, उनकी तरफ से वो लेटर आता है, उसमें फाइनल एक तरह से समझ सकते हैं अग्रीमेंट एंड, इसको ये बोल सकते हैं, या फिर उसमें ये लिखा होता है कि आपकी इतने टाइम की सैलरी कंपनी में बाकी थी, इतना इतने आपका बकाया है, इतना ओवर टाइम वगैरह, ये जो भी उसका परफॉर्मा आता है, ये पैसे हमने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरह से वो बातें इंग्लिश में लिखी होती हैं। जी हाँ, और आपके पास आती है और आपको ये लगता है कि यार चलो 1,00,000 रुपये अपनी सैलरी बाकी थी, बोनस बाकी था, अपनी लीव सैलरी थी, सब कुछ अपने को मिल रहा है, कंपनी में काम नहीं तो और कोई देखेंगे, आप साइन करके वापस कंपनी में जमा करवा देते हैं। जी हाँ, उसके बाद कंपनी में आप मांगते हैं पैसा, जी हमारा पैसा तो नहीं दिया, तो कंपनी बोलती है ये क्या जी, ये आपने साइन किया है ना, इसमें देखिए क्या क्या बातें लिखी है, आपने बोनस, आपने सैलरी, आपका एंड लीव बोनस वगैरह सब आपने रिसीव कर लिया, इसी के तो आपने साइन करके दिए हमें। तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आंखें चकरा जाती हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो इतनी सोची नहीं थी कंपनी हमारे साथ ये कर लेगी। कहने का मतलब कि कंपनी ने आपको बेवकूफ़ बना के साइन करवाए और सैलरी भुगतान करने का दावा पेश करती है कि ये देखिए जी आप ही के साइन है ना, ये आपने साइन किए ना यहाँ पे कि मैंने सैलरी प्राप्त कर ली है। उस दौरान आप क्या करें, समझ में आई बात। उस दौरान देखिए कंपनी आपको ये भी बोल सकती है कि ये हमारे पास एविडेंस है, आप चाहो तो कोर्ट में जा सकते हैं। अब कंपनी खुद बोल रही है कि मेरे खिलाफ आप कंप्लेन कर दो कोर्ट में, तो आपको तो फिर और डिले हो जाओगे, आप तो ल्यूज बढ़ जाओगे कि यार जिसने गलत किया वही धमकी दे रहा है, कोर्ट चले जाओ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्या सोचोगे यार फिर तो गलत हो गया। लेकिन नहीं जी, ठहरने की ज़रूरत है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। देखिए आपको फिर क्या करना होगा, कंपनी में या फिर कंपनी के खिलाफ में लेबर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ में आपको एक मुकदमा दायर करवाना पड़ेगा। चीटिंग बाजी हो सकती है, आपकी सैलरी बकाया है, इससे रिलेटेड आपको उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाना होगा। जी हाँ, फिर कंपनी भी अपना पक्ष रखेगी, कंपनी के पास सबूत है कि ये देखिए जी कंपनी ने पैसे तो हमने दे दिए इसको, इसके साइन कर रखे हैं, तो फिर ये सोचने की बात है ना कि कंपनी तो अपनी जगह 100% सही हो गई, आप क्या करोगे। उस दौरान आपके पास एक एविडेंस बनता है, देखिए जो गलती करता है वो भी एविडेंस रखता है कि जी मैंने गलती नहीं करी, और जो गलती करता है नहीं करता है उसको भी रखने पड़ते हैं कि जी जी इसने गलती करी है, यानी गलती करी है, समझ रहे बात, कंपनी ने गलती करी है, आपको तनख्वाह नहीं दी, झूठ बोला, फिर भी वो सबूत रखती है कि हमने इसको पैसे दे दिए, हालांकि गलती आपकी नज़र में की है। और आपकी गलती क्या है भाई, आपने गलती नहीं करी, उसके बावजूद भी आपको नहीं करने के भी सबूत देने पड़ेंगे कंपनी में कि देखो जी मैंने गलती नहीं करी, इसका मतलब मैंने इनसे पैसे नहीं लिए, ये सबूत देने पड़ेंगे आपको कोर्ट में, तो ये बातें एविडेंस चलते हैं भाई, समझ गए। अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कोर्ट में एविडेंस सबूत पेश करने पड़ेंगे। अब सबूत क्या हो सकते हैं, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका आपने डायलॉग सुना होगा, या फिर जो गलती करता है ना वो जो झूठ होता है वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट छोड़ता है, नो डाउट। हालांकि फिल्मों में देखता है कि झूठ जीत जाती है, सच हार जाता है, ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो पकड़ी जाएगी। देखिए आपको एक दिमाग शुरू से करें कि रेगुलर आप कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी आपके अकाउंट में पैसे डाल रही थी,
कंपनी ने अकाउंट खोल के दे रखा है, लगभग आपको पता है कंपनी एंड टू एंड का ऑप्शन नहीं है, अकाउंट में सैलरी होती है आपकी। पहला सबूत आपके पास है कि आपके पास अकाउंट में आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, समझ गए। और ये एक पॉइंट बनता है कि भाई आज तक कंपनी ने पैसे पूरे डाले हैं, अब कंपनी ने उसको कैश पैसे कहाँ से दिए। अगर ये बंदा बाहर था, अपने देश में था, छुट्टी था, तो कंपनी ने पैसे कहाँ दिए, कंपनी को एविडेंस पेश करना पड़ेगा। आप मांग सकते हैं कि कंपनी एविडेंस दे कि मेरे कौन से अकाउंट में कंपनी ने पैसे डाले या कहाँ दिए, या फिर आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे जी नहीं कंपनी के खिलाफ में कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, कंपनी झूठ बोल रही है जी, या फिर आपको कुछ जांच करवा सकते हैं इस मामले की आपकी, मैं यहाँ था, कंपनी यहाँ थी, मैं इस दौरान कंपनी ने मुझे कब पैसे दिए, मैं तो इसमें आया ही नहीं, ये या फिर आपको शपथ पत्र एक लिख के देना होगा, हेल्पनामा कि मैं वादे के साथ शपथ लेके कहता हूँ कि कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए। ये कुछ बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो आपको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे जी हाँ, उसके आधार पर फैसला होगा। और भाई देखिए, मान के चलिए कंपनी ने आपको, आप ये अपना पक्ष रख सक नॉर्मली तो आप पक्ष ये रखेंगे जी मुझे इन्होंने भेजा, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती थी, इन्होंने बोला है कि भाई हम आपका पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप सिग्नेचर करके भेज दो, तो आप भेज दिए आपने। ये तो देखिए कोई एविडेंस इतना नहीं बनता है, एविडेंस जो मैंने बताया वो एविडेंस आप अगर पेश करते हैं उसके आधार पे कोर्ट फैसला करेगा जी हाँ। तो इन चीज़ों से कहने का मतलब शॉर्ट में बताता हूँ भाई, सावधानी बरत लें, पहले इन चक्रों में पड़ोगे कोर्ट के लिए एविडेंस तो इतनी तो आपकी हिम्मत ही नहीं रहेगी, या तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कंपनियाँ वर्करों के साथ इतना नहीं करती हैं, जो हाई सैलरीड लोग होते हैं जिसकी महीने की 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 दराम महीने की तनख्वाह होती है, उनके साथ कंपनियाँ चीटिंग कर सकती हैं, क्योंकि वो सैलरी उनकी पेंडिंग होती है जो लाखों दराम में होती है, समझ गए। आप यार 1,000-1,500 दराम कमाने वाले, मुझे नहीं लगता आपके साथ कंपनी ऐसा करेगी, बल्कि हाई सैलरीड लोग होते हैं उनके साथ में कंपनी ऐसा कर सकती है। तो सावधान रहिए कि भाई देखिए, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि सैलरी का भुगतान कंपनी पहले नहीं होता है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि अग्रीमेंट आपका ख़त्म होता है, अग्रीमेंट आपके साथ कंपनी का हुआ था ना, वो ख़त्म होने के बाद आपका ये लेन देन वाला मैटर है ना, ये ख़त्म होता है, लेन देन या बोनस वगैरह जो भी कंपनी आपका भुगतान करती है, समझ गए। तो वो आपका अग्रीमेंट ही ख़त्म नहीं हुआ, आपके कैंसिल, आपका जो वीज़ा कैंसिल था उस पर आगे आपके सिग्नेचर नहीं हुई, तो कंपनी आपका डायरेक्ट मनमर्जी कैसे कर सकती है। हालांकि कुछ बहुत सारे सबूत हैं जो आदमी सामना करते हैं कोर्ट में या फिर उनके कानूनी कार्रवाई का, वो तो भाई जीत जाते हैं, और बाकी भाई दब्बू किस्म के लोग हैं आप, इतने लोग मेरे साथ बातें शेयर करते हो, मैं बोलता हूँ वीडियो बना के डालो, आप पीछे सरक जाते हैं, तो उन लोगों का ऊपर वाला भी नहीं भला कर सकता, समझ गए बात को। तो ऐसी चीज़ों में आपको सावधान और सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है, पहले ही सावधानी कर लें कि भाई कंपनी में आपका पैसा बाकी है, फिर आपसे कहीं ना कहीं कंपनी सिग्नेचर करवा रही है, तो वो आपके साथ गलत हो सकता है, पहले पैसा बाद में साइन चलेंगे, सीधी गणित ये रखिए आप, समझ गए होंगे बात को। चाहे आप किसी भी देश में रहते होंगे, लेबर लॉ सब देशों के अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, खासतौर से गल्फ देशों की अगर बात करें तो जी हाँ। जो भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।